guys, me Shoaib Akhtar, and you're watching my YouTube channel. No, actually, काफी अरसे मुझे बुला रहा था और मुझे कह रहा था कि आप मेरे शो में आए और I finally agreed to come to his show for the second season. Love you all. Finally, season 2, starting with the bang, with the one and only, fastest man in the world, fastest YouTuber in the world. Aur kuch fastest hai, Shoaib bhai? Fastest. Do bachche bhi fastest hi. Do bachche bhi fastest hai. Ek ke baad dusre ho. Shoaib bhai, thank you so much for being on the show. Hai. Aap pehle guest hai, you talk show season 2 ke. Kaisa lag raha hai, mere chote se kamre mein aaye hain, ghareeb khane mein. Itne bade bade shows duniya mein phire aur aakhir mein phir aap. एक कमरे में YouTube चैनल पे एक टॉक शो कर रहे हैं कैसा लगे आपके करियर का पीक है आपको लग रहा है ये इट्स सपोज्ड टू बी फनी राइट राइट पहले जो मुबारक हो बहुत थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी केस से जान छूटी दूसरी ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत इज्जत करता है खवातीन की और यही मैंने इसको समझाया करनी भी चाहिए तुझे और उसकी शादी भी होगी शादी भी होगी नहीं नहीं ये बातें नहीं बता सकते नहीं बता सकते नहीं नहीं बताया नहीं अरे ये काटा ना तो मैं तो वो स्ट्राइक मरवाऊंगा ना यूट्यूब से यार ये तो रोस्टिंग एपिसोड बन गया शोएब भाई इतनी ना करें खैर आज आज मुझे करने दें अच्छा शोएब भाई आप क्रिकेट की दुनिया में तो सबको पता है आपके बारे में बट क्योंकि बहुत से हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की वो क्रिकेट की तरफ जाना चाहते हैं बट उनको स्ट्रगल्स का नहीं पता इनिशियली क्योंकि वो हर कोई पीक पे आपको देखता है बट आपको हमें ये नहीं पता होता कि किस तरह यहाँ तक पहुँचे सो एज अ चाइल्ड आपने किस क्या स्ट्रगल्स के थ्रू आप गुजरे थे किस तरह से आप जो अभी अचीव किया है वो किया कैसे लॉन्ग स्टोरी है शॉर्ट वर्जन लेकिन ये है कि हमें फैंटी बहुत पड़ी है बहुत फैंटी पड़ी है हमें और तो पेड़े बड़े खाई हमने हमने स्ट्रगल की है बसें वैगने जाना आना तो फिर हंगर भी होती उसी हिसाब से थी हमारे अंदर लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाली जो जो नस्ल है इस वक्त की उनके अपने इश्यूज हैं उनके अपने स्ट्रगल्स हैं आई विश देम बेस्ट ऑफ लक बट यार ये मेरी स्ट्रगल थी इनकी स्ट्रगल लेकिन हमारी स्ट्रगल में ये था कि फैंटी बहुत थी यार बट शोएब भाई देखें एज अ किड हर किसी की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं अब आजकल की जनरेशन में जिससे मैं हूँ जो डिजिटल एरा है उसमें थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी होती है तो बंदा हार मान जाता है आपकी क्या इनसिक्योरिटीज़ जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप हमारी इनसिक्योरिटीज हमारे यहाँ इस वक्त हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया है हमारे यहाँ स्ट्रेट अवे गालियाँ होती थी ठीक है ना तो गालियाँ सीधी सीधी पड़ती थी आपको तो उससे बहुत सारे क्रिकेटर्स बने मैं ईमानदारी की बात करता हूँ नाम नहीं लेता दो तीन क्रिकेटर्स का जिनका जिन्होंने अपना ही क्रिकेट छोड़ के भाग गए थे कि उन्होंने कहा हमारे कोचेज ने हमें बहुत बुरा भला कहा है और हम छोड़ के जा रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा परफॉर्म करके बड़ा आदमी बन के दिखा फिर उसको उनको फिर तू सुना दी तो वो दो तीन बड़े क्रिकेटर्स थे जो आपको बड़ी तरह अच्छी तरह जानते हैं वो छोड़ के चले गए थे देखिए यार इंसान कोशिश कर सकता है दलेर रहे कोशिश करे हर बंदे की मदद करे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे थोड़ा थोड़ा हौसला रखे इंसान तो बड़ा आदमी बनने के लिए थोड़ी सी बर्दाश्त तो करनी पड़ती मैं ये नहीं कहता नाजायज़ चीज़ें बर्दाश्त करो लेकिन थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको आपकी मर्ज़ी के लोग मिलेंगे नहीं यहाँ पे और आपको आपको अपोजिशन स्ट्रांग मिलेगी अगेंस्ट द विंड आप जाओगे तो ऑब्वियसली प्रवास का मज़ा भी आएगा लेकिन अगेंस्ट द विंड फिर चीज़ें फिर बहुत मुँह में पड़ती हैं तो मैं ये नहीं कहता ढीठ होना चाहिए बंदा बगैरत होना चाहिए बंदा यू नो बंदे को मर्द का बच्चा होना चाहिए सही कॉज के मकसद से साथ सही आइडियाज़ के साथ वो आगे चले आई रियली थिंक दैट यू नो कि
مشکل نام کی کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. مشکل مشکلات بندہ خود اپنے لیے پیدا کرتا. شعیب بھائی آپ کے یور فلیٹ فوٹڈ, آپ کا جوائنٹ کیا ہے اس کو, ہائپر ایکسٹینشن, ہاں آپ کی جوائنٹ کے مسئلے, ٹھیک ہے نا, اتنے زیادہ فزیکل آپ کی رکاوٹیں تھیں, ٹوٹ فٹ بہت تھی میری, ہاں اس کے بعد آپ گروئنگ اپ کرکٹ, اس وقت کوئی بھی کہتا ہے کہ یار میں نے کرکٹر بننا ہے, بندہ آپ کو کتنے لوگوں نے کہا کہ یار کوئی سین نہیں, کوئی چکر نہیں, تو یہ اتنے آبسٹیکلس کے باوجود پھر فیملی پریشر وغیرہ اس کو آپ نے ایک ایک لائن میں, اگر آپ پریشر بھی فائنینشیل بھی بتانا چاہتے ہیں, جو اپنے ڈریمز اچیو کرنا چاہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ سے ایجوکیشن بھی بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں کرکٹ بھی, اس کو آپ کیا بتائیں گے ان ون لائن, ویری سمپل. دیکھیے یار, نازک نہ بن, نازک نہ ہو, لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو بھی ہے, تمہارے اندر ایک اسکل الگ دی ہے, تمہیں پورا بھرپور طریقے سے تجھے پیدا کیا گیا, مکمل پیدا کیا گیا, نامکمل تو خود ہے اپنی سوچ وجہ سے, اپنے سوچ کے دائرے کی وجہ سے, تو مکمل ہونے کی کوشش کر, اور وہ اس میں تھوڑی سی اسٹرگل ہے, تھوڑی سی پھینٹی ہے, اور پھینٹی کا مزہ لے بھائی, پھینٹی کا مزہ بھی لیا کرو, یہ نہیں کہ ہر وقت ہنکی ڈوری ہو, ہنکی ڈوری ہو, ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, وہ بھی مل جائے گی. سو آپ لوگ, آپ کے سبلنگس کتنے ہیں؟ چار بھائی ایک بہن ہے. تو اس کی ان کے بیچ میں کیسے ڈائنامکس, اب صرف آپ اس میں کرکٹر ہیں, باقی سارے کرکٹرز تھے, سارے کرکٹرز تھے, تینوں بڑے بھائی کرکٹرز تھے, پھر میں کرکٹ کھیلا. تو انہوں نے کس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا تھرو آؤٹ, سبلنگ رائیولری جو ہوتی ہے, یا آپ نے مجھے ایک اسٹوری بھی یاد ہے, بتا رہے تھے کہ سر پہ بال مارا تھا اپنے بھائی کو, آنکھ پہ لگا تھا, تو اس طرح کی رائیولری کس طرح آپ نے؟ یار میرے شروع سے میں دلیر آدمی تھا, میں مجھ سے کوئی بھی مقابلہ کرتا تھا میں اس سے مقابلہ کرتا تھا, لیکن یہ ہے کہ بھائی سے دوستی اچھی تھی, میں نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا, ان کو لاڈ کیا, ان کو پیار کیا, لیکن وہ شروع سے کھیلتے تھے, شروع سے کھیلتے تھے, شروع سے اچھا کھیلتے تھے. اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے, ڈھیلا. اچھا اچھا, بٹ اب فاسٹ فارورڈ, آپ نے اچیو کر لیا ایٹ دی ٹاپ آف یور کریئر, اب جب ٹاپ پہ ہوتے ہیں بالکل کریئر کے, کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو اس وقت جو ہے نا ہمبل کر دیتی ہے, اس طرح کوئی انسیڈنٹ کچھ ہوا جو آپ کو بالکل کہے کہ یار ٹھیک ہے آپ لارجر دین لائف ہو گئے ہو, بٹ تھوڑا سا زمین پہ بھی رہنا چاہیے, وہ کیا چیز؟ میرے میں کبھی نہیں, آپ کے نہیں, جنرلی لوگ پہنچ جاتے, بٹ آپ کو میں دیکھے, آپ مطلب اس شو پہ بھی درمیان میں بھی شوٹ ہو رہا ہے, بائی دی وے ان کا شوٹ ہو رہا ہے, وہاں سے میں کڈنیپ کر کے لایا ہوں, یہ ان کا لیول ہے ہمبل ہونے کا, تو اس طرح آپ نے مینٹین کیسے کیا, ہاؤ ڈڈ ناٹ گیٹ یور ہیڈ؟ بڑا بندہ ہمبل ہو جاتا ہے, چھوٹا بندہ ببیتا ہو جاتا ہے. پرورش ہے یا کوئی؟ نہیں, پرورش بھی ہے, تھوڑا شودہ بھی رہتا ہے بندہ. ہر بندے کو فیم چاہیے, ہر بندے کو, بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی فیمس, جو جس کیپیسٹی میں اس میں رہو, مزہ لو اسی چیز کا. میں کئی میں دیکھتا ہوں لوگ جب مجھ سے ملنے آتے ہیں, یس کیا حال ہے شعیب تمہارا, تو میں کہ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ سو چلو ان کی ایگو کو بوسٹ مل جائے, خوش ہو جائے, ان کی رات اچھی گزر جائے. سو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا لوگوں کی ایگو بوسٹ کرنے میں. اچھا, میرے دوستوں کو جو میرے فیلو کرکٹرس تھے, دو تین ہیں بہت فیمس بھی ہیں, ان کو بڑا پرابلم ہوتا تھا یار, کہتے ہیں یار شعیب بھائی کیوں اتنا اکڑ کے بات کرتے ہیں, پتہ بھی ہم ان سے زیادہ فیمس ہیں. میں نے کہا یار ان کو بھی ہوتا ہے نا یار کہ میں بھی پہچانوں, مجھے بھی دیکھو ذرا, میں بھی کوئی چیز ہوں. میں کہا دے دے ایگو بوسٹر, کیا فرق پڑتا ہے, پر چھوٹا بندہ پہنچ کے نا اوپر, پھر اسمال مین پاور شو یو ہیو, جب ٹاپ پہ تھے آپ کو لوگ کھینچتے بھی تو ہیں نیچے, ان کے ساتھ آپ نے کس میں نے اسٹوریز نہیں ہے, معاف کر دو, اسٹریٹ وے معافی دے دو یار, کچھ بھی نہیں, کوئی کنفرنٹیشن نہیں, میں بلیو کرتا ہوں ٹھیک ہے جو ہوا, معافی کرو, معافی دو, آگے چلو, اور آئی کین ناٹ بی ان پریزن آن مائی اون بٹرنس یار. یہ ہو گئی باتیں, آپ مجھے بتائیں اگر یوتھ کے بارے میں آج کے ایرا میں ایک چیز آپ نے بدلنی ہوگی وہ کیا ہوگی, کہ یار یہ چیز بدل لو جو تم لوگ چاہو گے مل جائے گا. ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ, دا ڈسٹینس فرام ارتھ ٹو ہیون اٹس ناٹ اے میٹر آف ایلٹیٹیوڈ, اٹس اے میٹر آف ایٹیٹیوڈ. سو میری جو تمہارے بہت فین ہیں, سن رہے ہیں اور تم سے لاڈ بھی کرتے ہیں, تمہاری کانٹروورسی جو غصہ بھی کیا نا انہوں نے, مجھے بھی چڑھا, خواتین کو بہت غصہ ہے, ٹھیک ہے جائز ہے, ٹھیک ہے, بٹ ٹھیک ہے, یو گاٹ میک اے کم بیک, یو گاٹ میک اے کم بیک, رائٹ, یو گاٹ ٹیل دم یو نو واٹ ریلی ہیپن, واٹ آئی وینٹ تھرو, آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ, بٹ ایٹیچیوڈ واٹ میٹرز, یور ایٹیچیوڈ از گوئنگ ٹو شو فار یور ریسٹ آف یور لائف کے یار جو ہوا سو غلط تھا, جو بھی ہے. کارنر ٹائیگرز ہیں, ہاں کارنر ٹائیگرز ہمارے. اور دوسرے جو بچے آج کل کے, کوشش کریں کے اپنے ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو رکھیں,
ये छोटी छोटी बिकरिंग में ना पढ़ते रहे बीच में, उसने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ये कह दिया। ख़वातीन अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया करती हैं दूसरों के बारे में सोचने। मेरी वो लड़कियों से भी हमेशा मेरी शिकायत ही रहती है, यार इतना अच्छा तो अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है, क्या खूबसूरत दिमाग अल्लाह ने दिया है औरतों को, अमेजिंग। यूटिलाइजेशन में नहीं आता वो, मुझे उसकी एडवांसमेंट नज़र नहीं आती। ये तो आप सिलेक्टिव औरतों की बात करें, काफ़ी ज़्यादा तो हमारी जनरल की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारा टाइम ना अल्लाह ने एक डेटा लगाया हुआ पीछे सर पे, सोचना 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 24 घंटे का सोचना, थोड़ा एक्शन की तरफ है। नहीं नहीं एक्शन भी करते हैं, वो निज़ाम ही सारा उनकी वजह से चलता है। एक्शन क्या, मेरा मेरी बीवी मेरे सर पे ना हो तो मैं तो फारग हो जाऊँ बिल्कुल, घर ही ना चले मेरा। सो एक्शन तो उन्हीं के साथ, ये मज़ा और रंग दुनिया में उन्हीं की, बट प्रोडक्टिविटी जो है ना, जो प्रोड्यूस करना समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक तो हमने भी चांस नहीं दिया उनको जिंदगी में, और हम देते भी नहीं मर्द, और उनको थ्राइव भी नहीं करने देते। फिर बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपने हिसार में बंद रहती हैं और बहुत सारा टाइम उसके बारे में सोचती हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, और भाई तू क्या कर सकती है मुझे वो बता। सो मुझे अपने माशरे में अब ना तो वुमेन आर कमिंग अप, एंड आई सी मैनी वुमेन दैट वर्क्स विद अस, एंड यू नो इट्स रियली फील्स गुड टू सी दैट द वुमेन आर कमिंग अप, कमिंग फॉरवर्ड एंड मेकिंग श्योर दैट यू नो हैंड इन हैंड काम शुरू हो। और मुझे अच्छा लगता है कि पार्टिसिपेशन होती है, जब पार्टिसिपेशन होती है तो देन आई फील, मुझे फीलिंग आती है यार कि ना अब कुछ हमारी इंडस्ट्री में बेहतर हुआ है, यूट्यूब में है, हमारे साथ बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, तो इट्स रियली गुड टू सी दैट। सर अब तो आप आ गए हमारे डिजिटल स्पेस में, यूट्यूब को भी आपने कॉन्कर कर दिया, कैसा लग रहा है, किस तरह से आप उसको हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि जनरली जब मैं किसी को बताती हूँ यूट्यूब की तरफ है, उन्होंने बिल्कुल भी ना, नहीं यार इट्स बीनीथ मी। आपने जिस तरह से यूट्यूब को ओन किया है एंड यू मेड इट बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, इस रीजन से आप स्पोर्ट्स एक आइडेंटिटी बन गए, पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इस रीजन से, तो वो किस तरह लग रहा है, आप आगे किस तरह पेव करें लोगों के लिए रास्ता? देखिए मैं लोग सुनना चाहते थे, टीवी में सुनते थे, बहुत सुनते थे, मुझे बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अक्रॉस द वर्ल्ड मुझे बहुत प्यार करते हैं। बी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे खेलते वक्त भी आइडिया था और मुझे यूट्यूब लॉन्च करके फिर बहुत ही शदीद किस्म का आइडिया हुआ कि यार इतनी फॉलोइंग है मेरी। सो कितनी जल्दी आप 1 मिलियन क्रॉस किया था आपने? 27 डेज, 26 डेज टू बी प्रिसाइज। सर मुझे 2 साल लग गए। तेरे हो गए? नहीं, मैं 3 लाख पे बैठा हूँ। अच्छा, तो मैं यार दिल की बात कह देता हूँ, खुली बात करता हूँ, दिल की बात कह देता हूँ। मैं भी मेरा देखिए यार, अल्लाह की राज रिस्क अल्लाह की साथ देती है। अल्लाह ने वेल बींग मुझे रखा हुआ है, पैसा अल्लाह ने दे दिया है, ख्वाहिशें पूरी कर दी है, नाम दिया हुआ है। मैंने सोचा यार चलो मैं अपनी दिल की बात मैं यूट्यूब पे कह देता हूँ तो शायद उनको दिल को लग जाए। बहुत, तो वो लगी गई दिल को, वो लिटरली ऐसा लग रहा होता है कि आप सिर्फ मुझसे बात कर रहे हो, हालांकि वो मिलियंस लोगों को यही लग रहा हूँ। मैं अभी तहा से इनके मैनेजर बैठे हुए जी कैमरे के पीछे, मैं बात कर रहा हूँ, शोएबा जो बोलते हैं लगता है कि यही सच है, इतनी कन्विक्शन के साथ। नहीं कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन तो है लेकिन बट मैं कोशिश करता हूँ यार, मैं ओन करता हूँ। देखिए मेरे दिल में नफरत नहीं है, मैं बी ऑनेस्ट विद यू। अब मोस्टली 90% ऑफ पाकिस्तानी, अगर आप देखो ना यार, वो किसी भी इंडियन से नफरत नहीं करते ना, वो किसी बांग्लादेशी से, ना काले, ना गोरे से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, तू खुद देख ले यार, हमारा कल्चर में ये हिस्सा नहीं है। और जब मैं हिंदुस्तान की तारीफ करता हूँ, खुल के करता हूँ, अच्छी टीम बन गई उनकी, बहुत अच्छी बन गई, मुझे दुख होता है हमारी टीम का ये फोटो हुआ करता था, तो हमारी टीम कभी यहाँ थी और हिंदुस्तान यहाँ, अब हिंदुस्तान वहाँ और हम यहाँ पे आ गए हैं, तो मुझे दुख होता है। तो वो फिर बंदे क्यों नहीं लाते क्रिकेट में, जिससे तुम्हें तुम्हारा वो एटीट्यूड वापस आया। विराट कोहली आया ना, लाया गया ना, खुद तो नहीं आ गया ना दिल्ली से उठ के। सो बनाया, फिर उसने फास्ट बॉलर्स बनाए, अब टेस्ट सीरीज जीत रहा, मजे कर रहा है। आप कब आएंगे मतलब क्रिकेट बोर्ड में? उनको बस वही चाहिए जिन पे ब्लेम डाला जा सके, उनको निकाल के ब्लेम डाला जा सके यार कि नहीं हमने निकाल दिया इसको। सो क्रिकेट बोर्ड इज द मोस्ट डाइसीस्ट डाइसी इदारा है और मोस्ट इनकॉम्पिटेंट मुझे लगता है इदारा बेहतरीन। अच्छा, PSL में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को भी। सर आप पिंडी के हैं, मतलब इस्लामाबाद को नहीं? नहीं, आई एम जस्ट सपोर्टिंग गुड क्रिकेट यार। अभी ऑनेस्ट विद यू, आई हेट T20 क्रिकेट। अभी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कभी भी T20 क्रिकेट अच्छी नहीं लगी।
मैं कमेंट तो कर देता हूँ लेकिन मुझे टेस्ट क्रिकेट देखने का मज़ा आता है, जरा स्टीव स्मिथ खेल रहा है, डेविड वॉर्नर 300 किया है, मुझे इन चीज़ों का मज़ा आता है, करेक्टर समझ आए ज़रा। टी ट्वेंटी में कोई भी मार रहा, कोई भी मार, किसी को मार लग जाती है। चले सर ये तो होगी सीरियस बात है, लेट्स एंड द शो विद अ क्विक रैपिड फायर राउंड। ताहा कैमरा चल रहे वाला। चले सर इफ यू वोक अप एज वन डे, आप सोए सुबह उठे आप शायद फ्री दियो, आप क्या करेंगे? मैं ये करेंगे इफ यू वोक अप एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वोक अप एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं क्या करूँगा? मेरे अजीज मतनो खिताब करूँगा। इफ यू वोक अप एज द क्रिकेट चेयरपर्सन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन, मैं 500 बंदों को फार कर दूंगा। कौन इतने इतने लोग हैं उसमें? 800। इफ यू वर द पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ओनर है, एक एक टीम आपकी होती तो आप क्या करते? मैंने कहा यार तुम फोटो सेशन बाहर खिला, इतने पैसे लगाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तुमने अगर तस्वीरें खिंचानी थी या तुम लोगों ने फेमस ही होना था तो मुझे देता है करोड़ रुपए, मैं तुम्हें खुद में खुद फेमस करता, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। अगर आपके 50 करोड़ रुपए लगा दिया, मुझे समझ में नहीं आया इस बात। अगर आपके बारे में कोई सच था, अगर आपके बारे में तस्वीरें खिंचा रहे हैं क्राउड जा रहे हैं, देखो मैं वो 60 करोड़ रुपए में फेमस हो रहा है। अगर आपके बारे में कोई बायोपिक बनाता, कौन एक्टर होता? सलमान खान। सलमान खान बिल्कुल डेफिनेटली। और अगर सलमान खान की बायोपिक बने तो मैं मेरा डेफिनेटली मैं करूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अच्छा आदमी है सलमान खान। हाँ आपका तो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, बेहतरीन इंसान। चारों भी बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। वो बीच वाली स्टोरी सैफ, मैं इनके साथ बड़ा बहुत अच्छा मिला बीच पे, आप शर्टलेस कुछ भी नहीं है, नहीं हुआ। मैंने सलमान से, सलमान भाई ने मुझे पूछा यार शेबी तूने तो नहीं कहा कोई मीडिया वीडियो, मैं कि मैं क्यों कहूँगा, मैं पागल, मैं ऑलरेडी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हूँ। तो कहता मैं वो खुद मैं भी हूँ। तो कहते कैथरीना ने कहा, मैं कहने कैथरीना कह भी कैसे कह सकती, वो तो खैर वैसी कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं आती। तो बाय द वे मैं उसको छोटी बहन बोलता हूँ अपनी, शी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग वुमेन दैट वी हैव सीन, बट यू नो छोटी बहन। तो मैं कैथरीना और सलमान, मैंने सिर्फ शर्ट बदलाई है, सलमान ने कहा यार शर्ट गंदी हो गई है घर पे, तो पहन के वो पहन के तुम दूसरी पहन के चले। तो मेरी शर्ट है, मेरा साइज सलमान का एक ही है, तो मैंने पहन के आ जाता हूँ, मैं अक्सर उनकी शर्टें पहन के आ जाता हूँ। सो बट इट्स अ ग्रेट फैमिली, इज फादर, इज सिस्टर्स, ग्रेट पीपल। लेकिन ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं आज तक। बहरहाल स्टोरी बड़ी अच्छी बने तो मैं कर लूंगा बिल्कुल। Sir, thank you so much for being on the show. The first guest thanks, after a turmoil period in my life. And thank you so much. Okay. One line mein, aap youth ko ek baat bata dein ki kis tarah se aapne apni dreams ko achieve karna hai, taaki wo aapko quote ban jaye. Nahi hota hyphenated ki bhai Shoaib Akhtar ki saying hai ye, please isko follow karein. Cheers, fella. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.